हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हूँ तो दिन की शुरुआत हो गई है अभी सुबह के नौ बज रहे हैं तो आज फिर से एक ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हो गई हूँ तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए सुबह ही सुबह एक पार्सल आ गया था और मुझसे रहा भी नहीं गया तो सोची कि पहले इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करती हूँ लेकिन मुझे अभी कोई आइडिया नहीं कि इसमें मेरी बेटी के लिए है या फिर मेरे लिए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं बहुत ज़्यादा ही करती हूँ मतलब करती ही रहती हूँ तो इसीलिए कोई आइडिया भी नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है तो चलिए अभी आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ में तो मोबाइल है तो अभी इसको मैं अपने हस्बैंड से बोल करके अनबॉक्सिंग करवाती हूं तो ये लीजिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और ये भी पार्सल खोलने में बहुत माहिर हैं इनसे भी नहीं रह जाता है ये सुने कि पार्सल अनबॉक्सिंग करना तो ये फटाफट फट सारे काम छोड़ करके आ गए हैं उनको लग रहा है कि शायद उन्हीं का कोई गिफ्ट है इसीलिए वो सब काम छोड़ करके आ गए हैं लेकिन अभी मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या है मुझे तो लग रहा है कि मेरा ही कुछ सामान होगा देखिए एक इनसे पार्सल भी नहीं खुल रहा है अभी हम लोगों को कोई इतने देर में ना दस पार्सल खोल दूँ हम लोग से इतनी एक्साइटमेंट होती और पार्सल खोलने का इतना मतलब ओ, ओ, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया अनबॉक्सिंग करने का ना तो देखिए ये देख तो ये सच में इसे मेरा ही पार्सल निकला मैंने एक फेशियल किट मंगवाया था तो वही पार्सल मेरा आया है तो बस यही मैंने ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था लगता है एक सप्ताह पहले किया था तो बहुत जल्दी लेके आ गया और परी देखिए कैसे छिपा रही है उसको कुछ समझ में नहीं आता है उसको लगता है कि सब कुछ मेरे ही लिए है ऐसे ही जो भी पार्सल आता है वो इसी तरह से रिएक्ट करती है एकदम खुद में छुपा लेती है और बहुत खुश होती है तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि अभी मेरे घर का काम कितना हुआ है घर का इनोवेशन जो भी मेकओवर कितना हुआ है तो काम तो लगभग स्टार्ट हो गया है मैंने इसे पहली वाली ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था तो अभी काम चल रहा है लेबर्स लोग लग चुके हैं और मैं आपको फाइनल लुक तो आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी वो अभी आने वाला व्लॉग रहेगा उसमें मैं जरूर अपने घर का पूरा मेकओवर होम टूर करवाऊंगी आप लोगों से आपकी आप ही का ये वादा है पूरा होम टूर करवाऊंगी कभी इससे पहले मैंने अभी तक होम टूर नहीं दिया है लेकिन जब घर का पूरा मेक हो जाएगा तो मैं आप लोगों को होम टूर करवाऊंगी और आप बताइएगा कॉमेंट करके कि ये कलर कैसा लग रहा है वॉल पे मैंने यही कलर चॉइस किया था मुझे काफ़ी अच्छा ये लग रहा था अभी पता नहीं वीडियो में क्यों इस तरह का आ रहा है नजदीक से देखने बहुत ही प्यारा कलर है मैं तो कब से एक्साइटेड हूँ आप लोगों को होम टूर देने के लिए वेट कर रही थी कब से ही फाइनली इस बार पेंट वगैरह हो जाएगा तो मैं अच्छे से आप लोगों को अपने पूरे घर का होम टूर दूंगी हाँ मेरे लिए अभी दो तीन दिन में हो जाए अगर पेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मेरे लिए लाइफ का जो बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए बहुत ही खास दिन है तो मैं चाह रही हूँ कि दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है अगर इन हो जाएगा तो बहुत बेहतर है अगर नहीं हो पाया तो फिर देखते क्या करना है बट मैं दिल से चाह रही हूँ कि दो से तीन दिन में ये पूरा घर का मेकअप अगर कम्प्लीट हो जाए और इधर देखिए मेरे हस्बैंड भी लग गया है लेबर्स की हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो साथ में मैं भी करवा देता हूँ इनको भी पेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से आता है तो इन्होंने बोला कि मैं लेबर्स के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ तो ये भी जनाब लग गए हैं और पूरा घर मेरा मैसी परा है पूरा घर में हर जगह कपड़े 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 बर्तन वगैरह वगैरह पूरा घर ही मैसी परा हुआ है इसी बहाने चलिए डीपली क्लीनिंग पूरे घर की हो जाएगी क्योंकि आपकी आप ही तो काम चोर है ज्यादा काम करती है नहीं आप लोगों को पता ही है आप लोग पहले भी वी वीडियो में देख सकते देख देखे होंगे कि मैं कितनी कोई बहाना बिल्कुल भी नहीं चल सकता है क्योंकि मैं ऑलरेडी घर में काम लगवा चुकी हूँ और घर का सारा सामान भी निकाल दिया है तो कोई बहाना तो चल नहीं सकता है लेकिन मैं क्लीनिंग के मामले में बहुत ही मतलब हूँ हाइजीनिक टाइप की लड़की हूँ और गंदगी वगैरह जो भी होती है तो मैं उसको एकदम बारीकी से साफ़ करती हूँ तो मैं घर का जो भी है एक्स्ट्रा वगैरह कचरा वगैरह है जो भी गंदगी वगैरह है तो ये मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी और करती भी हूँ तो अभी चलिए ये बेड वगैरह भी खुल चुका है और इसमें भी काम हो गया है तो अभी भूख काफ़ी जोरों की लग गई थी और टाइम भी हो गया था ग्यारह बज गया था तो हम लोग सिंपल सा नाश्ता करेंगे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं ऑमलेट बना देता हूँ तुम रोटी बना दो सादी रोटी बना दो बस वही खाएंगे क्योंकि शाम में हम लोगों का कुछ और प्लान है मेरे घर के सामने नया घर बना है तो हम लोगों को दावत है वहाँ से तो हम लोग को वहीं निकलना है तो इसीलिए हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे बस मेरे घर के सामने ही है कहीं ज़्यादा दूर जाना बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ मैंने पालक वाली रोटी बनाई है मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है कैसे मैंने पालक की रोटी बनाई तो आप लोग प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को दोबारा जानना होगा तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगी तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह अच्छे से कर लिया था उसके बाद यहाँ शाम काफ़ी हो गया था तो हम लोग इवेंट में निकलने वाले थे तो मैं दिखा रही हूँ ये जो डेकोरेट हुआ है मैं अपने घर के पास से ही दिखा रही हूँ इतना नज़दीक है कहीं दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है और मैं रेडी हो गई हूँ तो अभी निकलने के लिए तो आप लोगों को अभी दिखा ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगी तो आज का मेरा पूरा दिन का यही रूटीन रहा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मैं वहाँ गई अगर वीडियो कर पाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी बाय